हमने सुना है, हमने सुना है कि हमारे जितने भी आज से पहले देश के नेता हैं वो अपनी आवाज़ की अगर सुनाई नहीं होती ना भोली भाली सरकार को जगाने के लिए जंतर मंतर बनाते थे। आज ये किसान दोबारा फिर आया है। हम चाहते हैं मीडिया हमारा माध्यम बने और भोली भाली सरकार को जगाएं कि किसान आपका जो बच्चा है ना ये सड़कों पर रो रहा है। कानून वापसी लिया, गारंटी नहीं दी। सुनो, कानून ही वापसी लिया ना, गारंटी नहीं दी ना। मैंने तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ा तो नहीं ना। आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए हमारी सारी टीम जो है हजारों के हिसाब से जो लोग हैं वो हमारे जो हैं लेट, इसी कारण है कि जगह जगह के हम तंग किया गया, हमारे यहाँ गाड़ियाँ रोक किया गई, हमारे लोग जो हैं साइडों पे गाड़ियाँ होटलों पे गाड़ियाँ खड़ियाँ करके कैसे किस तरह से यहाँ पहुँचे ये हम जानते हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर लगातार जो है किसान लोगों की भीड़ मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं अलग 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 राज्यों से यहां पर किसान आए हैं, तो आप जान सकते हैं। सर, क्या कुछ हो गया कि दोबारा आपको सड़कों पर आऊं? देखो, आप मीडिया से हैं बहन जी, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, क्या कुछ नहीं हुआ, ये भोले भाले किसानों के साथ मजदूरों के साथ छल हुआ है। हम उस छल के विरोध में दोबारा हैं। हम मोदी जी से हाथ जोड़ के ये बेनती करते हैं कि आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, इन भोले भाले किसानों के भी प्रधानमंत्री हैं, मजदूर के भी किसान मंत्री हैं। जरा अपनी एक नज़र इधर भी तो उठा के देख लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हवाई यात्रा भी कीजिए, महंगे से महंगे कपड़े भी पहनिए, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप दूसरे देश में जाएंगे, हमारी भी इज्जत है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक सोशल वर्कर है, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे सूट पहन सकता है, बड़ी अच्छी अच्छी फ्लाइटों में घूम सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान की कम से कम जो पुग्गी है ना उसे तो पंचर ना कीजिए। कहाँ पंचर कर रहे हैं? देखो, आपके सामने है। अच्छा, नहीं पंचर कर रहे? देखो, एक किसान की फसल का रेट कहाँ है? आज जिस दिन ये सरकार आई थी, योजनाएं दे रहे हैं आपको सरकारी, बहुत अच्छी योजनाएं किससे दे रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें दिखा तो दीजिए, उसका योजना का प्लेटफॉर्म दिखा दीजिए। अगर किसान अपनी आवाज़ उठाने दिल्ली आता है, उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं। क्या ये टेररिस्ट आ रहा है पाकिस्तान से, कोई आतंकवादी आ रहा है? तो इसके लिए ये योजना है, किसान को अपनी आवाज़ उठाने के लिए मौका देना चाहिए कि भोले भोले किसान अगर अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। हमने सुना है कि हमारे जितने भी आज से पहले देश के नेता हैं वो अपनी आवाज़ की अगर सुनाई नहीं होती ना भोली भाली सरकार को जगाने के लिए जंतर मंतर बनाते थे। आज ये किसान दोबारा फिर आया है। हम चाहते हैं मीडिया हमारा माध्यम बने और भोली भाली सरकार को जगाएं कि किसान आपका जो बच्चा है ना ये सड़कों पर रो रहा है, उसे रोने से बचा लीजिए, उसे मरने से बचा लीजिए। हम यही कहना चाहते हैं। MSP कानून तो वापस ले लिया था ना उन्होंने, तीन काले कानून। मैम, कानून वापसी लिया, गारंटी नहीं दी। सुनो, कानून ही वापसी लिया ना, गारंटी नहीं दी ना। मैंने तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ा तो नहीं ना। या तो पीछा छोड़ दीजिए कि किसानों मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मजदूरों तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा आने नहीं चाहिए। अगर हमें अपने सीने से भी लगाते हैं प्रधानमंत्री, वोटिंग लेनी है तो आप मेरे हो। 75 साल बनाए जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में मौजूद। इसी तो 75 साल की आज़ादी में कहते हैं कि हमारी सोई हुई सरकार जाकर किसानों को कम से कम उनका MSP की गारंटी दे दे, यही घोषणा करते हैं, हम इससे यही मांगते हैं। क्या नाम है आपका? सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता, भारतीय किसान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मेरी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के, और मेरे साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है हमारे यूपी के, और वहाँ के सारी टीम है मेरे साथ। उधर से बलविंदर सिंह उत्तराखंड से है, मेरे जूथ के प्रधान है। आप लोग जब बॉर्डर पे आते तो आपको रोक दिया जाता है, बैरिकेड कर दिया जाता है, क्यों? आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए हमारी सारी टीम जो है हजारों के हिसाब से जो लोग हैं वो हमारे जो हैं लेट, इसी कारण है कि जगह जगह के हम तंग किया गया, हमारे यहाँ गाड़ियाँ रोक किया गई, हमारे लोग जो हैं साइडों पे गाड़ियाँ होटलों पे गाड़ियाँ खड़ियाँ करके कैसे किस तरह से यहाँ पहुँचे ये हम जानते हैं। आप तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आपको पता है बिल्कुल, ये 13 महीने पहले हमने जो एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया वो शांति प्रिय से किया है। दिल्ली वाले सभी जानते हैं कि किस तरह दिल्ली वाले हर तकबा छत्ती बरादरी हमें याद करते हुए आप फिर दोबारा आओ, आप जैसे लोग जो हैं बहुत बढ़िया लोग थे, पंजाब हरियाणा के लोग थे। और आपको पता है हमने भी यहाँ परमिशन जो मांगी थी सिर्फ इसलिए, बड़े प्यार से हम करेंगे। वादा खिलाफी कर रही है ये मोदी सरकार, इसको करना चाहिए नहीं, मगर ये फिर मेरे को फिर लग रहा है कि जिस मोदी, आपको पता है कि जिस मोदी ने 3 कानून उसी सदन के अंदर बनाए और डंडा देकर इन्हीं किसानों ने, इन्हीं जूथों ने वहीं से वापस करवाए, झंडे का डंडा डालकर इसके वापस कर, ऐसे ही MSP के गारंटी का कानून जो है ऐसे ही है लेंगे। और जो अजय टैनी जो मिश्रा जो बाहर फिर रहे हैं उसको भी हम जो आपको देखेंगे वहाँ किस तरीके से उसको उसकी बातें बाहर करवाते हैं। मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यदि किसान में और उद्योगपति में वो फर्क नहीं समझते, अगर किसान की MSP नहीं तो किसी भी प्रोजेक्ट की MSP नहीं होनी चाहिए, सबका खुला कर देना चाहिए। हमारे पास ताकत है, हम किसान है, मजदूर है, हम एकजुट है, एकता है, किसान एक है। जिंदाबाद।
सात दिन चलने देंगे, जीरो है, कुछ नहीं करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो किसान यहाँ पर लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने उनके साथ छल कपट किया और लॉलीपॉप दे दिया, लॉलीपॉप जैसे शब्द इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से मोदी जी जो है ऐसी नीतियां ला देते हैं, जो काले कानून पास कर देते हैं, जो जिनकी किसानों को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन लगातार इसी तरीके के कानून जो है आप देख सकते हैं लाए जाते हैं और थोप दिए जाते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी संख्या में लगातार जत्थे का जत्था मौजूद है और लगातार और भीड़ बढ़ती जा रही है। बाहर भी अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो बाहर भी लोग यहाँ पर किसान लोग मौजूद हैं और इससे ज़्यादा संख्या में जो है बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं। तो इस यही सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान अपनी एक झांकी दिखा रहे हैं। आज एक दिन का उन्होंने जो है यहाँ पर परमिशन ली थी और परमिशन के तहत यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी बातें रख रहे हैं। लगातार जिस तरीके से उनके साथ छल कपट किया जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग यहाँ पर सबके जो है बखान कर रहे हैं किस तरीके से उनको MSP के द्वारा पागल बनाया जा रहा है। आप किसानों की जो परेशानियाँ आप समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों के साथ जो किया गया है वो गलत है। इसी के साथ आप देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।